हरियाणा के करनाल में एक दुल्हन व उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए शादी ना करने के आरोप लगाने वाला मामला गर्मा गया है। अब दूल्हे पक्ष के लोग भी आगे आ गए हैं। दूल्हे पक्ष के लोगों का कहना है कि उन पर निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी तरफ से शादी की कोई हामी नहीं भरी गई थी। आपको बता दें कि दो दिन पहले मेरठ रोड स्थित हनुमान कॉलोनी के मुस्लिम परिवार के लोगों द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके द्वारा यानी दुल्हन पक्ष की ओर से निकाह से पहले दहेज नहीं दिया गया तो दूल्हे पक्ष की ओर से शादी वाले दिन कोई आया ही नहीं। दुल्हन शादी के जोड़े में बारात का इंतजार करती रही। आरोप थे कि दहेज में करेटा कार ना मिलने की वजह से बारात दुल्हन के आवास पर पहुंची ही नहीं थी। शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी थी, दुल्हन भी सज धज कर तैयार थी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। आज मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़के पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सभी आरोप निराधार है, उन द्वारा शादी की हामी भरी ही नहीं गई थी। स्वयं दूल्हे पक्ष की ओर से आशु सामने आया है। आशु मोहम्मद ने बताया कि उनका रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ था, वह तो सिर्फ लड़की को देखने के लिए गए थे और लड़की के परिवार वालों ने उस समय कहा था कि लड़की के साथ खड़ा होकर कद नाप लिया जाए और आगे रिश्ते की बात की जाए। आशु ने बताया कि लड़की वाले क्रेटा गाड़ी जो दहेज में देने की बात कर रहे हैं वह भी बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? ये सब के सब जो है मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैंने ना कोई दहेज की डिमांड करी है, ना मेरा कोई रिश्ता हुआ है। ठीक है, मैं लड़की के घर पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं अपने फादर मदर के साथ में घर पे गया था। उन्होंने मुझे बुलाया कि एक बार जो है आके देख ले, तुम्हारी ज़िंदगी भर का सवाल है और ये जो है हमारे जो है मुस्लिम कानून के हिसाब से जो है दीन की शरीयत के हिसाब से ये जायज़ भी है। तो उनके कहने पे जो है मैं घर पे चला जाता हूँ, घर पे जाके मैं नाश्ता पानी करता हूँ और वो लड़की को बुला लेते हैं। जैसे लड़की आती है वो बैठ जाती है, मैंने अपनी मम्मी को बोला मैंने लड़की देख लिया मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी उसी दिन जो है एक नया काम शुरू करा था तो मुझे अपने क्लाइंट का काम देना था, तो मेरे उसके ऊपर प्रेशर था, बार बार फ़ोन भी आ रहे थे। तो जैसे मैं जाने लगा तो लड़की की मामी कहने लगी कि क्या बात है बेटा, तुम गुस्से में हो क्या, कुछ ऐसी दिक्कत हुई है, हमारे से कोई गलती हुई है? मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कहने लगे दो मिनट रुक जाओ फिर उसके बाद में चले जाना। तो उनके कहने पे मैं रुक गया, उन्होंने लड़की को बुलाया, लड़की को बुला के मेरे बराबर में खड़ा कर दिया। कहने लगे एक बार जो है लड़की की हाइट चेक कर लो, ठीक है कि जोड़ी कैसे लगती है। तो उसके बाद में क्या होता है, उन्होंने जो उनकी क्या अंदर साजिश थी क्या था हमें कुछ नहीं पता। हमारे मेरी कभी कोई लड़की से कभी कोई बातचीत नहीं हुई, ना मैंने उसको कभी फ़ोन करा, ना मैंने उसको कभी मैसेज करा। मेरे ज़िंदगी में मैंने पहली बार जो है उसको फर्स्ट टाइम देखा था। हालांकि मेरे पापा की और उनके पापा की जो है 30-35 साल पुरानी यारी दोस्ती है, मैं आज तक उनके घर तक नहीं गया, ये बात थी। और वहाँ से मैं ये कह के चला गया था कि जो भी बात होगी मैं अपने घर पे आके मशवरा करके बता दूँगा अपने पेरेंट्स को। तो इतनी बात हुई, उन्होंने जो है उस दौरान जो है जब वो लड़की मेरे बराबर में खड़ी थी उन्होंने जो है साजिश के तहत जो है फ़ोटो खींची गई है और अपने नंबर पर जो है उन्होंने व्हाट्सअप करा, कैसे करा वो मैं नहीं जानता। उन्होंने फ़ोटो खींच के जो है कहने लगे चलो ठीक है बेटा तुम जाओ। फिर मैं अपने वहाँ से घर पर आ गया, घर पर आके मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला कि ऐसे करके बात है, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है और जो है ना मुझे लड़की पसंद भी नहीं। तो उसके बाद में जो है पापा ने फ़ोन करा, फ़ोन करके भी उनको बोला कि ऐसे करके बात है भाई, लड़का एग्री नहीं है, तुम इस काम को मत करो। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, जब लड़का एग्री नहीं है कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, जैसी मेरे लिए हिना है ऐसी मेरे लिए आशु है। ठीक है, इतना उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया। फिर थोड़े दिनों बाद हमें पता चलता है कि ये मार्केट से ये सामान खरीदते फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो पापा ने उनको बुलाया, पापा ने उनको बुला के भी बोला कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, कहने लगा कि ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात और कोई कर रहे हैं। चलो उसके बाद में जो है थोड़े दिन बाद ये बात होगी, तो थोड़े दिन बाद फिर क्या होता है, लड़की के पापा को फिर दोबारा हमें इस बारे में डिटेल मिलती है कि ऐसे ऐसे साजिश हो रही है, सामान खरीद रहा है वो है। फिर पापा ने घर पे बुलाया, बड़े प्यार से नाश्ता कराया, चाय पानी पिलाई, खाना खिलाया और हाथ जोड़ के बोला भाई ये काम नहीं होगा। ठीक है, तुम वो लड़की का पापा ये बोला कि ऐसा है तुम अपनी लड़के का रिश्ता जहाँ मर्जी करो, हम अपनी लड़की का रिश्ता जहाँ मर्जी करें। ठीक है, हाँ ये बात उन्होंने हमारे घर पर बैठ के जो है बोल के चले गए, जैसी मेरे लिए हिना है और हिना का तो मैं जो है 4 साल रिश्ता नहीं करूँगा अभी, और लड़के का है। ठीक है, अगर मेरी नज़रों में कोई रिश्ता होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी जो है लड़के का जल्द से जल्द शादी करो,
ये बात हुई। मेरा नाम आशु है। कितने दिन पहले देखने गए थे आप वहाँ? ये तकरीबन हो गए हैं 1.5 से 2 महीने पहले। तो कोई सबूत आपके पास इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग या? मेरे पास कोई सबूत, ये सब भाई के पास में है, वाइल्ड रिकॉर्डिंग है। और रही दहेज की जो डिमांड है उसका हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है। लड़की के मौके पे क्यों मना किया, बरात लेके क्यों नहीं पहुँचे? मौके सर एक बार बताइए, जब हमारा कोई रिश्ता लेना देना नहीं हुआ, रिश्ता लेने देने के बाद में 100 बात होती है, सगाई होती है, रिंग सेरेमनी होता है, लाल खत आता है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, ठीक है। और जिस दिन ये 28 तारीख की बात है, ये आता है उनके घर में से कोई भी आता है बच्चा, और शादी का कार्ड बनवा के, ठीक है, हमें पता लगता है कि ऐसे ऐसे करके शादी हो रही है, शादी का कार्ड, लड़की का मामा जो है, वाइल रिकॉर्डिंग हमारे पे, फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग है, लड़की का मामा ये कहता है कि ये जब जो सारे काम हो रहे हैं ये मैंने करे हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये जो साजिश है ये सब मैंने रची हुई है। तो जानबूझ के उन्होंने ये सब जानबूझ के करा हुआ है। पैसे हमारे से 10 लाख रुपए की डिमांड करी गई है आपके ऊपर लगा रहे हैं और उनके क्रेटा सर उसके पास में, हमारे पास में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें लड़की का मामा साफ तौर पे ये कह रहा है कि या तो हमें 10 लाख रुपए दो या हमारी लड़की से शादी करो, अगर ये सब भी तुम नहीं करते जो है अपनी लड़की का। पुलिस में क्यों नहीं गए? हम पुलिस में भी गए, 29 तारीख को जो है हमने कम्प्लेंट भी करी, पुलिस में भी गए, इसकी सारी जानकारी जो है पुलिस सेक्टर 32 के 33 थाने में है, सब दे रखी है उनकी तरफ, उनको जो है पुलिस वालों ने 100 फोन करे कि तुम आ जाओ ये बात है यहाँ पे तुम्हारे, वो बिल्कुल भी नहीं है, उनको पंचायत में बुलाया गया, तो ये पपुलाठ है, एमसी है, इन्होंने भी कई बार फोन करके बुलाया कि तुम आ जाओ इस बारे में बात करनी है, वो बिल्कुल भी नहीं आया किसी भी, और पुलिस वालों को ये कहता है ऐसा मैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, ठीक है। और इसकी जो है जब उनके मना करने की इसमें प्रेजेंट ही नहीं हुई पार्टी वहाँ पे थाने में। आप किन की तरफ से केस देख रहे हैं? हम लड़के वालों की तरफ से, ठीक है। तो उन्होंने आरोप लगा रहे कि एक क्रेटा कार भी मांगी थी, उसका क्या वो सामने आया? इनके पास जैसे हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इनके पास सीडीज हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी या तो या लड़की वाले कह रहे हैं या 10 लाख रुपए ले लो, या हमारा एक लड़का है उसके मैं लड़की की शादी कर दो। तो पूरी तैयारी उन्होंने पहले शुरू कर दी क्या? इन लड़कों वालों को नहीं पता था कि तैयारी शुरू हो चुकी है? पता नहीं था जी बिल्कुल भी। जब लड़के वालों ने कंप्लेंट कर दी है जी सेक्टर 32-33 में, देवर नॉट प्रिपेयर, वो प्रिपेयर नहीं थे जी किसी भी चीज़ के लिए। सेकेंडली ये है कि अगर वो कहते हैं दहेज मांगता है तो दहेज मांगता ना करो मैरिज, जब इन्होंने कंप्लेंट की हुई है एक ये शादी से अपना 29/11 की कंप्लेंट की हुई है, एंड ही सेइंग कि दे आर डिमांडिंग डोवरी, जब वो डोवरी की डिमांड है तो मैरिज ना करो। लड़के के जो ब्रदर है उसने कंप्लेंट की हुई थी सेक्टर 32-33 में, उस इन्वेस्टिगेशन में वो कभी ज्वाइन नहीं हुआ, लड़की का बाप नहीं आया, लड़की का कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से भी? केस आगे हमने तो एक तो स्टे का केस डाला हुआ है जी, सेकेंडली हमने एक्सटोर्शन का केस डाला हुआ है। एक्सटोर्शन मीन्स के वो डिमांड, वो कहता है कि 10 लाख रुपए दे दो या 10 लाख रुपये ले लो, या फिर अपना हमारा लड़का है उसको कोई अपनी लड़की दे दो। तो ये वीडियो भी सामने आ रही कि 10 लाख रुपये मांगते हुए नजर आ रही है? हाँ नहीं, वीडियो में नजर नहीं आ रहे जी, लेकिन आवाज़ आ रही है जी। लड़की वाले क्यों पीछे पड़े हुए हैं, इनके साथ ही क्यों शादी कर पाए? तो वो तो बताएं जी, वो जानते हैं जी, वो जानते हैं जी क्यों पीछे पड़े हुए हैं। इधर से रिस्पॉन्स ऐसा कुछ मिला उनको या कुछ? इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, जैसे इन्होंने हमारे को बताया कि सिर्फ वहाँ गए थे एक देखा दिखाई के लिए गए थे जी वहाँ पे, लेकिन देर डिनाइड, जो लड़के वाले हैं उन्होंने डिनाई कर दिया जी, उसकी इनके पास कॉल भी है जो उन्होंने डिनाई किया हुआ है कि हम मैरिज नहीं करना चाहते, ठीक है जी। परवीन नरवाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.